अभी हम लोग सौराष्ट्र में एंटर कर गए, बहुत मज़ा आ रहा है राइड का। मे बी ये आप लोगों का, सॉरी मे बी नहीं, डेफिनेटली ये आप लोगों का ब्लेसिंग्स है, इसीलिए बहुत सक्सेसफुली राइड कर रहा हूँ और बहुत आनंद ले रहा हूँ राइड का मैं। देखिए अभी भी जो है ये देश बोलिए, ये संसार बोलिए, ये पूरा वर्ल्ड जो है भक्ति भावना इसके बल पे चल रहा है। डेफिनेटली बहुत एनर्जी मिलता है उसमें। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैं बताऊँ आपको, ये जो अभी वीडियो आपने देखा ना कैमल्स का, जो व्यक्ति कैमल को लेके चल रहा था वो भाई, अभी ये एरिया जो है इट्स टिपिकल गुजराती एरिया यू कैन से, या थोड़ा बहुत ट्राइबल बेल्ट्स वगैरह भी हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो खैर वो भाई जो है एक अलग तरह का गुजराती में बात कर रहा था। गुजराती वैसे थोड़ा बहुत समझ में आता है, पूरा नहीं आता हूँ। तो वो जो बात कर रहा था इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट उसका भावना से मैं थोड़ा बहुत समझ रहा था हूँ मैं। तो वो पूछ रहा था कि कहाँ पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल का अपना अवतार जो है पूरा देखा, पूरा सामान लोडेड ये सब, कहाँ पे जा रहे हो, ऐसा कुछ गुजराती में पूछ रहा था। तो मैं बोला द्वारकाधीश के तरफ जा रहा हूँ मैं, द्वारका जा रहा हूँ मैं अभी। तो बोलता वो द्वारकाधीश के तरफ, तो मेरा एक रुपया वहाँ पे पहुँचा देना, द्वारकाधीश को चढ़ा देना बोला। मैं बोला भाई ठीक है मैं चढ़ा दूँगा। फिर उसने दिया एक रुपया मेरे को। फिर वो बोल रहा था कि भाई इसको खर्चना मत, सीधा मंदिर में ही डालना बोल रहा था वो मेरे को। मैं बोला भाई बिल्कुल नहीं खर्चूंगा, सीधा द्वारकाधीश के पास पहुंचाऊंगा करके। फिर उसने बोला ऐसे नहीं, बटुआ दो बोला उसने, मेरा ये बटुआ लिया उसने, और ये देखिए ये पॉकेट में बता रहा हूँ। तो वो ये एक रुपया उसने दिया है, और उसने खुद यहाँ अलग से पॉकेट में रखा है, ऐसे पॉकेट में रखा, और बोलता है यही वाला रुपया चढ़ाना और इसको खर्चना मत, इसको अलग जगह पे मैंने रखा है और ये मेरा बटुआ मेरे को दे दिया था। तो देखिए उस भाई को देख के इतना अच्छा लगा मेरे को कि इतना भावना वाला आदमी है, बोल रहा है कि यही ले जाके वहाँ पे चढ़ाना, इसको खर्चना मत, और मेरा वैलेट निकाला उसमें अलग से रखा उसने। तो शायद यही एनर्जी के कारण पूरा वर्ल्ड अभी भी टिका हुआ है, बहुत एनर्जी देता है। ठीक है जी, तो चलिए अभी सौराष्ट्र से मैं पार कर रहा हूँ, आगे द्वारका तक पहुँचूँगा, फिर रास्ते में फिर और भी बातें करता रहूँगा और मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स जो आपने दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एनर्जी बन रहा है। तो सीधा विशाखापट्टनम से गया हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से अभी टूवर्ड्स राजकोट के तरफ, एंड इस तरफ का डेस्टिनेशन जो है वो द्वारका है फिलहाल प्रेजेंट जो है। उधर से और आगे जाना है तो बताएंगे आगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, ओम शांति, पीस, लव एंड ब्लेसिंग्स, बाय।